इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ, वो है वो जो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आज से खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, ह्युंडई और यूएस में तो कुछ और कहते हैं, हंदई। दीवान साहब कैसे प्रोनाउंस करेंगे पहले तो ये बताओ। नहीं, उनकी जो ब्रोकर्स मीट हुई थी उसमें भी जिस हिसाब से वो लोग कर रहे थे उसको हंडई बोलते हैं, हंडई। हंडई मोटर इंडिया का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। 1865 से 1960 का प्राइस बैंड, 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी, जिसमें से एक अंश जुटा लिया है, कल एंकर इन्वेस्टर्स का अपडेट आ चुका है। दीवान साहब आपके फाइनल कॉल पे बाद में जाता हूं, पहले ये बताओ कंपनी कैसी और जिस भाव पे आ रही है लग रहा है टेबल पे कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा? नहीं देखिए, कंपनी का कारोबार बहुत ही बढ़िया रहा है, कोई उसमें तो डाउट ही नहीं है। जिस टाइप का इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाए, ये बहुत कम देशों में इस टाइप का हासिल कर पाए स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी, तो उस लिहाज से तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं। आशीष, मैं आपको आंकड़ों के उसमें कुछ बताऊं, तो जैसे इनका आज जो कैश पोजीशन है, और बहुत कैश रिच कंपनी रही है, और हाल ही में एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी उसका भी ऐलान किया इन्होंने। तो ये जो कैश रिच बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, जिस टाइप की कैश जनरेट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केट शेयर है, नए मॉडल्स लॉन्च किए, तो बिजनेस के एंगल से तो वो कोई है। अब आपका सवाल ये होता है कि आर दे लीविंग एनीथिंग ऑन द टेबल, मतलब इस प्राइस बैंड में, 1960 के प्राइस बैंड में कुछ बचता है कि नहीं, तो वो एक सवाल ये है कि मार्केट का माहौल देखते हुए पी मल्टीपल्स थोड़े से स्ट्रेच्ड जरूर, तो वो कोई भी प्रमोटर चाहेगा नहीं कि भाई अगर मौका लग रहा है तो मैं वो क्यों ना जितना हो सके उतना इसमें हासिल करूं। और ये एक याद रखिएगा कि ओएफएस के तौर पे इसको देखना है, कोई इसमें वो नहीं है कि कंपनी में पैसा लगना है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो कंपनी में पैसा जब लगाना है या लगाना पड़ेगा आगे चल के भी तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये तो एक मोनेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन इवेंट है उनके लिए उस लिहाज से। बट कंपनी की परफॉर्मेंस, 2,000 करोड़ का कैश जनरेट करते हुए जिस हिसाब से ग्रोथ आ रहा है, वो सब पैरामीटर्स में ठीक बैठेगा, वैसे कोई उसमें वो आपको क्वेश्चनेबल कुछ बिजनेस साइड में नहीं लगेगा। प्राइसिंग कैन बी अ बिग इशू। और यहां इसको समझने के लिए दीवान सर, इसको समझने के लिए मारुति को देखना जरूरी। अब FY24 के EPS पे अपर बैंड पे ये 27 times पे दे रहे हैं, मारुति ट्रेलिंग 12 months के EPS पे 27 times पे बैठी है, तो या तो हंडई मोटर्स स्ट्रेच्ड है या मारुति अंडरवैल्यूड है, क्योंकि भाई साइज स्केल देश में पकड़ के लिए मारुति को कुछ प्रीमियम तो देना बनता है अगर, तो आपका व्यू क्या है? और फाइनल कॉल इस आईपीओ पे पैसा लगाएं या जैसे अपन ने ओला के लिए बात करी थी लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, इतने दिग्गज आई। और मेरे पास एक हमेशा से दिमाग में रहा है, पिछले कई सारे ऐसे मेगा आईपीओ हमेशा डिसअपॉइंट करके गए, तो एक डर दिल में है क्या करना चाहिए फाइनली? नहीं, ये जरूर होता है, और जैसे कल एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आई, बड़े नामी लोगों ने इसमें एंकर में पार्टिसिपेट किया है, 8,000 करोड़ के ऊपर जो है, तो मुझे कोई ये कह रहा था कि आप मना कर रहे, मैं तो मेरा व्यू ये है कि इसको अवॉइड कर सकते। उसका कारण है कि वैल्यूएशन डज नॉट लीव मच, आपका हेडरूम कोई बहुत ज्यादा वो होता नहीं है ग्रोथ यहाँ से आए उसका। मारुति का जो पी है वो फेयर पी है, वहां कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं मुझे समझ आता, बट ह्युंडई का वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है। दूसरी चीज आशी, जब इतना बड़ा इशू का साइज होता है ना, तो जिसको जो एपेटाइट है वो पूरी हो जाती है, तो आपको अगर कुछ एलोकेशंस करने थे कि इतना हमको चाहिए, इंडिया की सेकंड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से इतनी बड़ी है, तो आपको एलोकेशन तो करना ही है एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो आपकी एपेटाइट काफी हद तक मीट हो जाती है आईपीओ के जरिए। तो मार्केट से आप लेंगे और भाव बढ़ेगा और आगे रफ्तार क्या रहेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सो आई वुड लुक एट स्किपिंग, जैसे आपने बहुत सही कहा, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, फिर देखी जाएगी कैसे लिस्ट होता है, क्या बिहेवियर रहता है, फिर समझ आएगा। बट अभी इसमें रिस्क लेके आप अलॉटमेंट ले लें और भाव बढ़े नहीं तो मायूसी ना हो इस लिहाज से, वेट करें। मैंने वो एक वीकेंड का शो भी करा था, उसमें भी गौरांग नहीं थे जो दो एक्सपर्ट्स थे, दोनों का व्यू यही निकल के आ रहा था कि यार इसे अवॉइड करते हैं, लंबी अवधि के लगाना है तो बात अलग है, लिस्टिंग पॉप नहीं आएगा और खुलने के बाद शायद मौके दे,
तो यार रिटेल